का मामला है। गंगा को थोड़ा वक्त दीजिए, उससे लड़के के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए। एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ पोजेसिव फादर एंड दैट्स नॉट राइट। ओके, वहाँ पर मीरा वो जन्माष्टमी की पूजा करने जा रही है और मैं यहाँ पर रिलैक्स कर। रिलैक्स आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा पूजा नहीं करेगी, पूजा तो मैं ही करूंगी इस घर में। सडनली मेरी एक मीटिंग फिक्स हो गई। यू वोंट बिलीव, मेरी मीटिंग भी अलीबाग में फिक्स हुई है। मैंने सोचा जब हम एक ही जगह जा रहे हैं तो क्यों ना हम साथ चलें। दादी, जहाँ तक मुझे पता है, हमने आज तक कभी पलाश का फूल पूजा में इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहती है तो मैं खुद जाके फूल लेके आती हूँ, ठीक है? लो देखो, ओए पूजा खत्म नहीं हुई कि भिखारी पहले से आ गए इस घर के अंदर। ओ रानी पुत्र, इसे कुछ देख रवाना कर, बड़ी बदबू आ रही है इसमें से। दादी, ओए लो, तुमने पकड़ने का मौका दिया तो पहुंचे ही पकड़ बैठी। अरे दादी बोले को क्या कह दिया इसे, बस ये तो इस घर को ही अपना बना बैठी। हाँ दादी, मैं मीरा हूँ। मीरा? ओए कौन सी उके मीरा है, नाम मीरा रख लिया उठा। ओ जयपुर, इसे कहीं ड्रॉप कर देना, बहुत बहुत दुआ है इसके, जल्दी लेके जा। क्या कर रहे हैं आप? ये मीरा है, विक्की की माँ। मीरा क्या हो गया तुम्हें, क्या हाल बना लिया आपने? What is the smell, मीरा? Oof, I'm sorry, but तुम बुरी तरह स्टिंक कर रही हो। कहाँ से, तुम भैंसों के तबेले से आई हो क्या? Shut up, जय। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? वो मैं भूल लेने गई थी, वो पता नहीं वहाँ से सब गिर गया साड़ी पे। खैर जो भी हो, प्लीज तुम सबसे पहले जाके नहा लो। मैं टोनी से कहता हूँ फैमिली पैक भेज दे तुम्हें डेटॉल का। उसे क्या था, पीछे दरवाजा है, गोबर के भरे पैर ना करने के सामने लेके मत जाना, बड़ी बदबू आ रही है। मैं तो तुझे पता, लेके जा तो उसको, ले जा, बड़ी बदबू आ रही है। तुमने हमेशा इस परिवार को परेशान किया है मीरा, तुम्हें परेशान देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अरे चल चल, लड़के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियों में जान कहाँ होती है? नहीं नहीं, लड़कियाँ भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियाँ नहीं कर सकती है। तुम झूठ बोल रहे हो, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है। प्रतीक भैया बताओ ना, तुम सच कर रहे हो? टेक्निकली लड़के लड़कियों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती। ओह रियली? या गंगा, ये सच है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती। कम ऑन गंगा, तुम बच्चों के सामने झूठ क्यों बोल रही? मैं झूठ नहीं बोल रही। तो एक काम करते हैं, हम पंजा लड़ाते हैं। आई एम श्योर तुम हार जाओगी। आई एम सॉरी, यू आर रॉन्ग, जीतूंगी तो मैं ही। देखो गंगा, ये जो बच्चे हैं ना, तुम्हें बहुत बड़ा मानते हैं, क्यों इनके सामने तुम शर्मिंदा हो रही है? तुम लड़कों को ये क्यों लगता है कि तुम लोग हर चीज में आगे हो? मगर हम लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, राइट? जैसे? जैसे आज जन्माष्टमी है, हम लड़कियों ने दही हंडी तैयार की है जिसे तुम लड़कों को फोड़ना है। बोलो मंजूर है? गोविंदा के दिन सब ओके मिस इंडिया। ओके मिस्टर यूएस, अगर हिम्मत है तो ये मटकी हंडी फोड़ के दिखाओ। अरे समझे, हर तरफ है ये शोर। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। आला रे आला, गोविंदा आला, we'll be right back.
क्यों मिस इंडिया, कैसी रही? मैं भले ही अमेरिका में पला बड़ा हूँ, लेकिन आज भी मेरा दिल हिंदुस्तानी है। आप मुझसे नाराज तो नहीं है? पता नहीं, अगर शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। ना जाने क्यों तुम्हारे कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। हर साल की तरह इस बार भी तुमने ये दिन बच्चों के लिए खास बना दिया। थैंक यू सो मच। दही हांडी तोड़ना बहुत अच्छा रहा। मेरे बच्चों, आप भी यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों का पता नहीं, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था। I'm very happy. थैंक्स, आपने मुझे अपने जिंदगी का हिस्सा बनाया। गंगा, बहुत देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बाय बच्चों। बाय बच्चों। हेलो बानी, जिज्ञासा बोल रही हूँ। मेरा फोन उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? पहले दिन होता है मेरे रूम में चली आई और अब मेरा फोन उठा लिया, समझती क्या हो तुम? रिलैक्स प्रोनिता, ये सब कुछ कहने का तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे कमरे में आई हूँ ना, तुम तो मेरे घर में। मैंने तुमसे तुम्हारा मोबाइल ही उठाया ना, लेकिन तुमने मेरा पूरा परिवार, मेरे सारे रिश्ते मुझसे छीन लिए। मैं आपको बहुत स्मार्ट समझती हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने मुझे वो पलाश का फूल देने के लिए क्यों भेजा, ताकि मैं पूजा में ना बैठ सकूँ। इतनी गंदी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। गंदी हरकत? ये जो गंदी हरकत है ना, वो मैंने तुम्हीं से सीखी है और मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। Get out of my room. इतना उड़ने की जरूरत नहीं है प्रोनी, जमीन पर आने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये मत भूलो कि महायुद्ध अभी खत्म नहीं है। और तुम याद रखना कि इस महायुद्ध में मैं तुम्हारे आगे। प्रोनीता, लड़ाई में ये नहीं देखा जाता कि किसने किसको कितने घाव दिए, बल्कि ये देखा जाता है आखिरी बार कौन जीतता है। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी आखिरी दिन का इंतजार कर रही हूं। मीरा, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी ना कि आगे चलकर तुम किसी को चुनौती नहीं दे पाओगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम दोनों। इस महायुद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हेलो जिज्ञासा आंटी, प्रोनीता बोल रही हूँ। बानी, क्या हो गया था? कुछ नहीं हुआ है,
रिलैक्स, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे तुम अपना फोन छोड़ कर कैसे चली गई? I'm really sorry, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। Thank God. मैम जय सर आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ओके 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 भाभी ठीक है। मिस्टर वालिया आप यहाँ हैं? थैंक्स प्रत्युष, आई एम ग्लैड कि आप आए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो बच्चों के मुकाबले मुझे वहाँ जाकर ज्यादा अच्छा लगा। आई थिंक आपको देर हो रही होगी, आई शुड लीव नाउ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा तुम ये प्रत्युष के साथ क्या कर रही थी? वो एक्चुअली आदि अंकल, प्रत्युष की एक मीटिंग थी अलीबाग में और मैं भी वही थी। इत्तेफाक से हम मिल गए और प्रत्युष ने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दे दी। वेल आदि अंकल, आई एम वेरी टायर्ड नाउ, आई नीड सम रेस्ट। गुड नाइट। ये प्रत्युष बहुत अच्छा लड़का है, इतना अच्छा है, बिजनेसमैन है, उतने अच्छा इंसान है। आई एम वेरी एक्साइटेड इसके फादर से जो हम डील करने जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है डील सक्सेसफुल होगी? हाँ हाँ होप सो टू यार। ये डील डील से ज़्यादा यार कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करो। तो प्रत्युष गंगा के साथ अलीबाग में था और कल ही तुमने कहा था कि शायद प्रत्युष और गंगा एक दूसरे को पसंद करते हैं। I think तुमने जो कहा सही है। मिस्टर वालिया मुझे अब लगता है आपको जाकर गंगा से बात करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया, मैं क्या बात करूँ उससे? मिस्टर वालिया मैंने आपसे कहा ना, आपसे कल भी मैंने कहा था कि यू आर बिहेविंग लाइक अ पोजेसिव फादर। मैंने आपसे कहा आप जाकर गंगा से बात करिए। अरे गंगा की मुस्कुराहट देखिए, उसकी मुस्कुराहट खुद आपसे कह रही है कि आइए पापा मुझसे बात कीजिए, वो खुद आपको सब कुछ बताएगी। लेकिन हाँ, गंगा से बात करना एक दोस्त की तरह, ओके? वैसे भी बेटियां हमेशा पापा के ज्यादा करीब होती हैं। ठीक। गंगा कॉफी? नहीं पापा। तारों में अपनी माँ का चेहरा ढूंढ रही थी या फिर शायद अपनी माँ से बात कर रही थी। जितनी तू अपनी माँ को याद करती है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं उसे याद करता हूँ। और जितनी बातें तू अपनी माँ से करती है उससे भी ज्यादा बातें मैं उससे करता हूँ। इसलिए मुझसे ये सब मत छुपा, बता ना क्या बात कर रही थी। कुछ नहीं पाता। गंगा तेरी आंखें मुझे बता रही है कि तू अपनी माँ को कुछ बताना चाहती है। तेरे होठों पर जो ये हल्की सी मुस्कुराहट है, इससे मुझे पता चल रहा है कि कोई है जिसको तू याद कर रही है। तेरी जिंदगी में सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है और तुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ना? मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। गंगा मैं पहले ऐसा इंसान था जो सिर्फ काम में ध्यान देता था, रिश्ते क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर तेरी माँ बानी मेरी जिंदगी में आई, उसने धीरे धीरे मेरा सब कुछ बदल दिया, मुझे भी सब कुछ अच्छा लगने लगा। और जानती है ये सब क्यों होता था? क्योंकि मैं तेरी माँ से प्यार करता था। प्यार? हाँ गंगा प्यार, ट्रस्ट मी। आज भी इतने सालों के बाद जब मैं तेरी माँ के बारे में याद भी करता हूँ ना,
मेरे होठों पर मुस्कुराहट आती थी और आज तेरे होठों पर भी मैंने वही मुस्कुराहट देखी। पापा, मैं तो उसे अच्छी तरह से जानती तक नहीं, मुझे उसे मिले वक्त ही कितना हुआ है। बानी ने, तेरी माँ ने मुझे एक और बात सिखाई, कभी कभी जिंदगी में हम किसी को सालों तक जान सकते हैं फिर भी उसके करीब नहीं आ सकते, कभी कभी एक पल में हम किसी के करीब आ सकते। अब मैं जानता हूँ कि तू उसके करीब आ चुकी है, बस ये पता लगाना है कि क्या वो भी तेरे बारे में ऐसा सोचता है या नहीं। पापा, मैं ये सब कैसे पता लगाऊंगी? हाँ, ये बात तो तेरी सही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? कॉफी। कॉफी? हाँ अपनी दिल की बात बता और वो भी तुझे अपनी दिल की बात बता। अगर वो नहीं आती और अगर उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ना हुई, कम से कम पता तो चल जाएगा ना तुझे, तू कम से कम आगे तो बढ़ जाएगी ना। ट्रस्ट मी, ये मौका अच्छा है, जस्ट डू दिस। ठीक है पापा, मैं भी इसे मैसेज कर आती हूँ। पापा, मैसेज डिलीवर हो गया एंड टुमारो वी आर मीटिंग फॉर अ कॉफी। ये हुई ना बात। तुम लोगों को पता है ना, सी कंपनी रिलीज हो रही है वो मूवी फ्राइडे को। आया सुना बहुत अच्छी मूवी। टाइम पता क्या? लूजर्स बिकम रूलर। और मैंने टिकट एडवांस में बुक करवा ली, तो कौन चलेंगे? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम न्यूक्लियर डील की रिपोर्ट फाइनल कर। क्या गंगा जी, अब कैरम बोर्ड के सामने हम कबड्डी तो नहीं खेलेंगे? ठीक है, जो कुछ भी तुम लोग अपना गेम बंद करो और यहाँ से चलते बनो। क्यों? क्योंकि आई नीड दिस होम। मैंने कहा ना, यहाँ से बाहर निकलो। तुम स्ट्राइकर हो? अरे, I said just leave। क्या गंगा जी, मैं क्वीन लेने ही वाला था, आपने सब खेल खराब कर दिया। प्लीज गेट आउट। विद्या का कुर्ता अच्छा लगेगा। This is perfect. पूरे एक घंटे रूम में थी वो, क्या कर रही थी? एक ड्रेस पहनने को इतना टाइम तो नहीं लगता है। Oh my God. What is this? इस रूम में क्या तूफान आया था? I don't understand. इसको हो क्या गया? जिज्ञासा आंटी, आपको पता है, गंगा she is in love. उसे प्यार हो गया है। मेरी इतनी छोटी सी गंगा, उसे प्यार हो गया है। जब उस लड़की से बात कर रही थी, आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था। उसे ब्लश कर रही थी, ऐसी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि लड़का बहुत अच्छे खानदान का है वो। कैसा आंटी, क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? सॉरी, आई एम हैप्पी टू गंगा, गुड। लेकिन आप क्या सोच रही हैं? मीरा के बारे में सोच रही हूँ। मीरा के बारे में क्या सोच रही हैं? डोंट फील बैड, लेकिन मैं छोटी सी जीत पर खुश होकर ये भूलना नहीं चाहते कि दुश्मन कभी भी दूसरा वार कर सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। नादानों और भूली हमेशा मुश्किल आने के बाद समझ जाती हूँ।
लेकिन मैं मुश्किल आने से पहले समझ लेती हूँ मीरा ने पलट कर वार क्यों नहीं किया है। क्या बात है कि वो इतनी शांत बैठी है? क्योंकि मीरा की बहुत बड़ी हार हुई। नहीं नहीं, तुम गलती करती हो बानी। मीरा है वो, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। और जहां तक मैं उसे जानती हूँ, वो जरूर किसी बड़ी तैयारी में लगी है। कोई बड़ा वार करने वाली है, इसीलिए हमें चौकन्ने रहना पड़ेगा। एक्चुअली आप ठीक कह रही हैं। कैसे चिंता ना करो बानी, तुम नहीं समझोगी। मीरा की चुप्पी मुझे बहुत खल रही है। इस आंधी को उठने से पहले ही पहचानना जरूरी है। मुझे डर है कि मीरा कोई बेहद खतरनाक चाल चलने वाली है। लेकिन क्या होगा उसका ये अगला दांव।